ये हमारे PG2 रैंक के दो कर्मचारी हैं जो बिल वसूली संग्रह केंद्र पर बैठने का काम किया करते थे और बिल वसूली का काम किया करते थे। वो उपभोक्ताओं के बिल जमा करने का काम करने में उनके विभागीय जो कार्रवाई हमने की है वो इसलिए की है क्योंकि उन्होंने पैसा जमा किया कंज्यूमरों का, वो सह समय विभाग में जमा नहीं हुआ, ना ही उन्होंने हमारी बैंक के खाते में जमा कराया, वो अपने पास दबा के रखा, इसलिए हमने उनको दोषी मानते हुए निलंबित की कार्रवाई की है और इसमें उपखंड अधिकारी को जांच सौंप दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जिसमें उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होने की पूर्ण संभावना। एक कैशियर हमारा जितेंद्र का जो था वो 11 लाख रुपए का था और सतीश का 15-16, 16-17 का मामला है, उसमें अमाउंट हमारा लगभग 13 लाख रुपए था। टोटल अमाउंट कितनी हुई है? दोनों को मिला के 25-26 लाख रुपए हो रहा था जो उन्होंने जमा कर दिया है विभाग के खाते में, लेकिन देर से जमा करने पर वो दोषी है।